जिला बिलासपुर के उपमंडल स्वारघाट के अंतर्गत खाल टिब्बा सड़क पर ग्रामीण मरीज को चारपाई पर उठाकर बरसात के दौरान इलाज के लिए अस्पताल ले जाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बड़ी मुश्किल से मरीज को स्थानीय महिलाओं ने प्लंक पर उठाकर नीचे मुख्य सड़क तक पहुंचाया। इस दौरान महिलाओं का सरकार के प्रति गहरा रोष देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने सरकार से मांग की है कि बरसात में उनकी जो ग्रामीण सड़क है कच्ची होने के कारण और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। अगर कोई मरीज बीमार हो जाए तो उसे अस्पताल ले जाना भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि कई बार चारपाई पर उठाकर मरीज को नीचे मुख्य सड़क तक पहुँचाना ही मुश्किल होता है। ग्रामीणों ने मांग की है कि उनकी सड़कों को जल्द पक्का किया जाए ताकि उनकी वर्षों की समस्या का समाधान हो सके। स्वारघाट से सुभाष चंदेल की रिपोर्ट। और उनके पूरी फैसिलिटी मिलती है और उस बोट से वो बनते हैं, और आज हम बोट डालने के बावजूद भी उन टूटी हुई सड़कों में धक्के खा रहे हैं। हमारा कल भी एक मरीज बीमार हो गया था काल टिब्बा में, उसको चारपाई पे उठा के लाया गया, तब उसको मतलब ऊपर दवाई दिलाने के लिए भेजा गया। सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि एम्स खोल दिया। भाई एम्स तो खोल दिया लेकिन वो पक्के रोडों में खोल दिया। आज हमारा मरीज जो कच्चे रोड से पक्के रोड तक ही नहीं पहुंचेगा तो उस एम्स को हम क्या करेंगे। अगर सरकार ने और प्रशासन ने हमारी नहीं सुनी तो कुछ ही दिनों में ये अपना वोटर कार्ड जो चुनाव आयोग द्वारा दिया गया इसको हम चुनाव आयोग को सौंप देंगे। भाई हम इसकी लंबे समय से चौकीदारी कर रहे हैं लेकिन वोट डालने का हमें कोई आज तक फायदा नहीं हुआ। इसलिए सरकार व प्रशासन से निवेदन है कि तुरंत हमारी मांगों पे कार्रवाई करें। अगर नहीं की गई तो हम जल्दी ही अपने वोटर कार्ड जो है चुनाव आयोग को सौंप देंगे। जय हिंद, जय भारत।